एक और जहां सरकार कोरोना वायरस के ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधा देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ चंदौली से अस्पताल की बदहाली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कोरोना से ग्रसित लोगों ने प्रशासन पर कोरोना मरीजों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों ने वीडियो वायरल कर प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह केंद्र पर कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। यही नहीं, इस्तेमाल की हुई पीपीई किट को भी यही खुलेआम में फेंका जा रहा है। लेकिन चार दिन में व्यवस्था देख के और अंदर से तकलीफ हो रही है कि हम बीमार और पड़ जाते हैं। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है, ना खाने को समय से ढंग से मिल रहा है, पानी में इतनी बैक्टीरिया है कि पीने के बाद आदमी और मतलब बीमार हो जाएगा। उसके बाद ना सफाई है, चार पाँच दिन से ये लोग पीपीटी किट अपना देखिए उतार उतार के फेंक के जा रहे हैं और यहाँ के जानवर यहाँ फैलाए जा रहे हैं, इसको ना हटाया जा रहा है। चार दिन बाद तो गाड़ी इतनी आज बवाल करने के बाद गाड़ियाँ आई हैं नगर निगम से उठाने के लिए, और ना एक डॉक्टर कहीं अंदर आ रहा है, ना किसी को दवा ढंग से मिल रही है, ना किसी को सुचारू रूप से कोई चीज़ की सेवा मिल रही है। भोजन का क्या है? भोजन की स्थिति तो ये है, मत पूछिए कि सब वो तो किस कोई मतलब जानवर को भी देने लायक भोजन नहीं है। जिस तरीके का भोजन हम लोग सेवन कर रहे हैं, सुबह से नाश्ता नहीं मिला है, चाय नहीं मिला है, और कोई डॉक्टर यहाँ पर अंदर आ नहीं रहा, दवाई नहीं पूछ रहा है, ना चेकअप कर रहा है, यही सब सारे समस्या दुर्व्यवस्था है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए गए L1 अस्पताल में ये अव्यवस्था सामने आई है। यहाँ छोटे बच्चों समेत अन्य लोग भी अपना इलाज करा रहे हैं। तमाम तरह का कचरा यहाँ डाला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब तक अस्पताल की दुर्दशा को सुधारने का काम करता है। पंजाब केसरी के लिए चंदौली से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सीमो साहब से दिए बात करें, हम सीमो साहब बुलाइए, फोन उनको बुलाइए अभी सीमो साहब को। Thank you.